हेलो गाइस, एजाज कलाडिया चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट के बारे में। जी हाँ गाइस, वॉरेन बफेट के 5 सूत्रों के बारे में हम आज आपको बताएंगे, जिससे आप भी अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही काम लगेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, वॉरेन बफेट जो तरीका यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहला तरीका ये है कि डोंट ओवर डिवर्सीफाई। गाइस, अगर कोई भी स्टॉक को अगर आप वॉरेन बफेट जैसे मैनेज करते हैं, जैसे आपने बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो देखा होगा, तो उनमें गाइस टॉप 5 स्टॉक गाइस ऐसे ही हो गए जो कि वॉरेन बफेट को पर्सनली उन पर बहुत बिलीफ है और बहुत ही लॉन्ग समय से उसके साथ बने हुए। गाइस, इन स्टॉक को वो कभी भी नहीं छोड़ते गाइस, क्योंकि इनका अपॉर्चुनिटी इसमें इनको मिली हुई है और इनको पता है ये स्टॉक ग्रो ही करेगा, फेल नहीं होगा। गाइस, तो आप भी ऐसे कोई भी 5 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें जो कि आपको पता हो कि ये अच्छे रिटर्न ही देंगे और बेस्ट कंपनी के स्टॉक ये। गाइस, आप रख के इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे लेके जा सकते हैं जैसे वॉरेन बफेट करते हैं। गाइस, ये बहुत ही कम लोग करते हैं कि जो लोग से अगर मान लो कि किसी को भी अगर प्रॉफिट मिल गया तो वो लोग वो स्टॉक छोड़ देते, दूसरे स्टॉक में जाते हैं, फिर वो स्टॉक से पैसे हार भी जाते हैं। लेकिन गाइस, टॉप 5 स्टॉक तो आपके पास ऐसे होने ही चाहिए जिससे आपको ज़्यादा अर्निंग हो सके और आप उसमें लॉन्ग टर्म बने रहने चाहिए, तभी आपको इससे अर्निंग मिलेगी। यही तरीका वॉरेन बफेट भी यूज़ करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। गाइस, दूसरा तरीका है गाइस स्टे विथ इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटिशन। गाइस, ये तरीका ऐसा है गाइस, कोई मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जिन्होंने आपको आके कहा कि आप केवरोन के सेल बाय कर लीजिए, फिलिप 66 के शेयर बाय कर लीजिए, और गाइस आपको पता है कि आपको ऑयल के बारे में कुछ नहीं पता और ये सारे ऑयल कंपनी के शेयर है गाइस, और आप ऑयल के बारे में कुछ नहीं जानते, ऑयल मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, आगे कैसा परफॉर्म करेगा इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो गाइस इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए एक तरह की मूर्खता ही होगी। गाइस, आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए जिसके बारे में आप पर्सनली जानते हैं, आपने खुद एक्सप्लेन किया हुआ है और आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस से उसके साथ है, वही स्टॉक पर आप इन्वेस्ट कीजिए। भले ही आपको रिटर्न कम मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा तरीका गाइस वो बताते हैं, वो ये है कि द बेस्ट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉरएवर। गाइस, ट्रेडर जो है वो उनका बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग करने का, जैसे गाइस कोई भी डे ट्रेडर है तो वो गाइस एवरेज अगर हिसाब करे ईयरली का तो वो ज़्यादा पैसे गवाएगा अबाउट इन्वेस्टर के मुकाबले। गाइस, अगर इन्वेस्टर है तो वो इतने पैसे नहीं गवाएगा गाइस, क्योंकि उसको एक ही ट्रेड करनी है और लॉन्ग टर्म 1 साल तक ही लगता है, तो इंडिया में तो टैक्स बेनिफिट भी उसका पूरा मिल जाता है गाइस, लेकिन डे ट्रेडर को टैक्सेस भी उतने पड़ने पड़ेगी और गाइस इसका पूरा एवरेज अगर निकाले तो ये लॉस में ही रहेगी। गाइस, तो इन्वेस्टर इज़ द बेस्ट और डे ट्रेडर इज़ द नॉट बेस्ट, डे ट्रेडर ऑलवेज लूज हिज मनी। गाइस, अगर कुछ टाइम बाद ये जीते भी तो फिर कुछ टाइम बाद वापस आ जाते, लेकिन इन्वेस्टर कभी पैसा नहीं हारते, इसलिए स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टर के लिए ही जाए, ट्रेडर के लिए ना जाए। चौथा तरीका है गाइस, ग्रोथ स्टॉक ऑफ आर ओवर रेटेड। गाइस, अगर आपने बेंजियन ग्राहम की बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं पढ़ी तो गाइस मैं आपको रिकमेंड कर लूँगा कि उसको पढ़ लीजिए। गाइस, आप अमेजोन पे जाके सर्च कीजिए बेन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आपको बुक मिल जाएगी। गाइस, इस बुक को आप पढ़िए, इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में इतना पावरफुल आइडिया बताए हुए हैं गाइस, और वॉरेन बफेट खुद भी अपनी स्टॉक मार्केट का श्रेय इस किताब को देते हैं, और वो बताते हैं कि इसी किताब ने उन्हें इतना अमीर बनाया। गाइस, इस किताब में बताया गया है गाइस आप उन स्टॉक को लीजिए गाइस जो कि आपको अंडर वैल्यू मिल रहा है। गाइस, मतलब कि जिनके फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आगे दिख रहा है उसकी वैल्यू अभी घटी हुई, तो आप उस चीप स्टॉक को चीप प्राइस के ऊपर बाय कर लीजिए, अगला क्वार्टर सीजन जब भी आएगा तब ये स्टॉक बूम करेगा और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। गाइस, लेकिन इसके लिए मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। गाइस, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से एनालिसिस करके आप स्टॉक पे घुसिए और उसके अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक को आप चीप प्राइस पे लेके उठा लीजिए गाइस, और फिर 2-3 साल के अंदर वो स्टॉक खूब अपने आप बहुत ही बूम में चला जाएगा। गाइस, पांचवा तरीका है गाइस, द बोरिंग स्टॉक आर ऑप्टन वेल वैल्यूड। गाइस, सब लोग अच्छे स्टॉक करना पसंद करते हैं, जैसे गाइस कोई फेसबुक के, कोई अमेजोन के, गाइस जो भी कंपनियां लीडिंग पे चल रही होती है जो सब लोग ले रहे वही स्टॉक सब लोग लेना पसंद करते हैं गाइस, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। अगर बोरिंग स्टॉक जिस पे कोई इन्वेस्ट ना करता हो लेकिन उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हो और आपको पता हो कि पिछले क्वार्टर सीजन में इस टाइम पे उसने इतना प्रॉफिट अर्न किया था, तो उस क्वार्टर सीजन से पहले आपको ये डीप प्राइस पे बोरिंग स्टॉक मिल रहा है तो आप इसको उठा लीजिए गाइस, और अगला क्वार्टर सीजन आते ही वो स्टॉक अंडर वैल्यू से बाहर निकल के खूब बूम करेगा और आपको इससे अर्निंग भी ज़्यादा होगी। गाइस, तो यही थे 5 तरीके जो वॉरेन बफेट खुद यूज़ करते हैं और उनकी गाइस वो इन्वेस्टर की तरह यूज़ करते हैं ना कि ट्रेडर की तरह, और इसीलिए उसकी इनकम ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है। गाइस, तो कैसा लगा आपको और आप क्या सोचते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।